नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। कहा जाता है कि बंगाल जो आज सोचता है देश उसे कल सोचता है। शायद ममता बनर्जी भी पहले से ये सोच चुकी थी, इसलिए इंडिया अलायंस से नाता तोड़कर पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 2019 की तरह ही इस बार भी ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से क्रिकेटर से लेकर एक्टर तक को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसी के साथ साथ 12 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जिनमें 4 एक्ट्रेस शामिल है। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद और यूसुफ पठान को भी उम्मीदवार बनाया गया है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में किया गया। सवाल यह है कि क्या बंगाल में 24 के नतीजे भी ऐतिहासिक होंगे? बंगाल की चुनावी राजनीति का सेंटर बन चुके संदेश खाली से पूरब वाले सूबे की चुनावी सियासत साधने की तैयारी को विस्तार से बताती ये रिपोर्ट देखिए। कोलकाता का ब्रिगेड ग्राउंड जो पलासी की लड़ाई का गवाह बना, वो मैदान जिसने आजादी से पहले और आजादी के बाद तक देश की राजनीति के हर उतार चढ़ाव का दौर देखा, जहां पंडित नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने रैली की, वो ग्राउंड जहां 32 साल पहले ममता बनर्जी ने राजनीतिक संग्राम का बिगुल फूंका था। कोलकाता के उसी ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड से ममता बनर्जी ने 24 की सियासी जंग के लिए फिर से खेला होबे का नारा बुलंद कर दिया है। मंच तक जाने के लिए 3 प्लेटफॉर्म और 1 क्रॉस रैंप बनाया गया। टीएमसी के सभी नेता रैली में मौजूद रहे। ममता बनर्जी के निशाने पर बीजेपी थी, क्या बोली सुनिए। रमजान मास आ रहा है, रोजा भी करो, अल्लाह आपको रोजा कबूल करे इंशाल्लाह, और साथ साथ में बीजेपी को वापस भेज दो। ममता बनर्जी करीब 20 मिनट बोली, बीजेपी और प्रधानमंत्री निशाने पर रहे। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से टिकट दिया गया है, कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा, दमदम से सौगत रॉय, बीरभूम से शताब्दी रॉय, हुगली से रचना बनर्जी, जादवपुर से सयोनी घोष, बहरामपुर से यूसुफ पठान, दुर्गापुर से कीर्ति आजाद और डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी को कैंडिडेट बनाया गया है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जिस वक्त उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे थे, तब ममता बनर्जी सभी उम्मीदवारों को लेकर रैंप पर चल रही थी। टीएमसी के लिस्ट में 16 मौजूदा सांसद हैं, 42 कैंडिडेट्स में 6 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, 2 पूर्व क्रिकेटर को उम्मीदवार बनाया गया है, 12 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जिनमें 4 एक्ट्रेस हैं। 2019 में टीएमसी के 2 ग्लैमरस उम्मीदवार रहे मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां का टिकट इस बार काट दिया गया है। मिमी चक्रवर्ती जाधवपुर जबकि नुसरत जहां बशीरहाट से सांसद थीं। बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र में ही संदेश खाली आता है, वही संदेश खाली जो इन दिनों भद्रलोक की पॉलिटिक्स का सेंटर बना हुआ है। यही वजह है कि ममता बनर्जी जब ब्रिगेड ग्राउंड से बीजेपी को ललकार रही थी, तब बीजेपी ने संदेश खाली में दीदी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। बंगाली एंटी बंगाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। अब जब कैंडिडेट निकला, देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। ममता बनर्जी का वो ये है, स्ट्रेटेजी है, वो डरती है कि उनसे बड़ा कोई नेता ना बन जाए, उनसे भतीजे से बड़ा कोई नेता ना बन जाए। संदेश खाली में बीजेपी ने रैली की। बंगाल बीजेपी के सभी बड़े नेता वहां मौजूद रहे। रैली के दौरान महिलाओं को सम्मानित भी किया गया, क्योंकि संदेश खाली में आधी आबादी ही बीजेपी के लिए बंगाल में उम्मीद की किरण बन सकती है। अत्याचार করেছে 10 বছরে সব হিসাব হবে। संदेश खाली में बीजेपी लगातार एक्टिव है। अपने बंगाल दौरे पर पीएम मोदी ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की थी। बीजेपी जानती है कि टीएमसी के सियासी किले में सेंध लगाने के लिए संदेश खाली बेहद अहम होने वाला है, जिसकी वजह है बंगाल की आधी आबादी। पश्चिम बंगाल में 3,73,00,000 महिला मतदाता हैं, जो पुरुष मतदाताओं से सिर्फ 15,00,000 कम हैं। 2019 से लेकर 2024 के दौरान बंगाल में 9.8% महिला वोटर बढ़े हैं, जबकि 7.39% नए पुरुष वोटर आए हैं।
इतना ही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में महिला वोट प्रतिशत 81.79% था, जबकि पुरुष वोट प्रतिशत महिलाओं से कम यानी 81.35% रहा था। बीजेपी बंगाल की महिला मतदाताओं का मिजाज जानती है, क्योंकि 2019 में बीजेपी को 18 लोकसभा सीटें दिलाने में बंगाल की आधी आबादी के वोट खास साबित हुए थे। संदेश खाली बशीरहाट लोकसभा में आता है। बशीरहाट लोकसभा सीट पर करीब 8.25 लाख महिला मतदाता हैं। 2019 में 83.49% यानी करीब 6,79,000 महिला मतदाताओं ने वोट किया था। लेकिन 2024 में क्या होगा? क्या संदेश खाली के सहारे बीजेपी बशीरहाट लोकसभा सीट पर टीएमसी का तिलस्म तोड़ पाएगी? 2019 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की बशीरहाट सीट से उम्मीदवार नुसरत जहान को बनाया था, जो कि एक मशहूर एक्ट्रेस भी हैं। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार शांतनु बासु को करारी शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार उनका पत्ता कट गया है और काजी नूरुल इस्लाम को टिकट दी गई है। तो क्या नतीजा बदलेगा? इससे पहले ये जानिए कि हाजी नूरुल इस्लाम हैं कौन। हाजी नूरुल इस्लाम टीएमसी के विधायक हैं, पूर्व में बशीरहाट से ही सांसद भी रह चुके हैं, बंगाल के बड़े कारोबारी हैं। साल 2010 में हाजी नूरुल उल इस्लाम पर एक दंगे में शामिल होने का आरोप लगा था। इस मामले में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी। बीजेपी ने तब हाजी नूरुल इस्लाम की गिरफ्तारी की मांग की थी। इस दफा टीएमसी के नेता रहे शाहजहां शेख को लेकर संदेश खाली की राजनीति गरमाई हुई है, लिहाजा नतीजा क्या होता है ये तो मई में ही पता चलेगा। पर इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में भद्रलोक की राजनीति का रण बेहद दिलचस्प होने वाला है। ABP News आपको रखे आगे।